वो सभी एक्टिविटीज जो है प्रभाव डालती है, ठीक है ना, किस पर, चित्त पर, चित्त को मॉडिफाई करने में। अब चित्त वृत्ति चक्र क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है समझना, क्यों, क्योंकि यही चक्र आगे चल करके आपको जो है कर्म का टॉपिक आएगा तो उसे समझने में मदद करेगा। देखिए भारतीय मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि जीवन और मृत्यु चक्र में घूमते हैं, और वो जिस चक्र में घूमते हैं उसको कहा गया काल चक्र, ठीक है ना, टाइम। तो ये जो समय का चक्र है, काल चक्र है, जिसमें जीवन और मृत्यु कॉन्टिन्यूअसली घूमते रहता है, तो इसमें ये कैसे बनता है, तो इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है इस प्रकार से कि जब भी कोई वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है, जब भी कोई वृत्ति चित्त में पैदा होती है, अब देखो ये वृत्ति क्या है, ये वही है जो मेंटल प्रोसेस आपने समझी है, ठीक है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी में जिसे मेंटल प्रोसेस कहा है। अब मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, दीज आर द प्रोसेसेस, दे हैव बीन डेजिग्नेटेड फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, कोई पर्टिकुलर चीज को करने के लिए इन चीजों का होना निश्चित होता है। भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि वृत्ति होती तो इसीलिए है ताकि हम जान सकें चीजों को, लेकिन ये होती हैं बस इतना भर नहीं होता, बल्कि इनके होने के बाद भी इनके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और वो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जिस भी चीज से संबंधित वृत्ति उठी होती है उस चीज के हो जाने के बाद वृत्ति के अपने इम्प्रिंट्स, उसके अपने निशान, उसके अपने पीछे मार्क्स छूटते हैं, इनको कहा जाता है डिस्पोजिशंस और इंप्रेशंस, ठीक है ना, और इन्हीं को हिंदी में कहा गया संस्कार। अब ये जो संस्कार होते हैं ये क्या होते हैं, ये किसी भी प्रकार के कार्य को करने के दौरान जो वृत्ति पैदा हुई उस वृत्ति के संस्कार होते हैं, उस व्यक्ति के इंप्रेशंस होते हैं। अब ये संस्कार करते क्या हैं, ये हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस चीज की एक स्मृति है, उस चीज का एक ब्लूप्रिंट है, जो भी कुछ हमने किया उस चीज का एक इंप्रेशन है जो हमारे चित्त में जो है सेव हो जाता है। अब होता यह है कि आगे जब हम कोई भी नई चीज करते हैं तो हमारे चित्त में सुरक्षित और संरक्षित ये जो इंप्रेशंस हैं, ये क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं हमारी की हुई चीज को, और उसको जब ये प्रभावित करते हैं तो होता यह है कि हम जो नई चीज कर रहे होते हैं वो प्रभावित होती है इंटर, ठीक है ना, और इस प्रकार से ये जो चक्र है ये बना रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु, ठीक है, किसी प्रकार का किसी चीज के साथ कोई इंटरेक्शन किया और उस इंटरेक्शन में कोई प्रतिक्रिया आपके द्वारा की गई, कोई रिस्पॉन्स आपके द्वारा किया गया, अब आपने कैसा रिस्पॉन्स किया ये रिस्पॉन्स वहां पर आपके चित्त में जाकर के सेव हो जाएगा इंप्रेशन के तौर पर, संस्कार के तौर पर। ये संस्कार क्या करेगा, अच्छा संस्कार वाली बात, कोई बात नहीं परिधि, हमें लगता है ना आपके तरफ का थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हमारी वॉइस मुझे ये लगता है कि ऑडिबल रहती होगी बाकियों को, आपके उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जब भी किसी वृत्ति, कोई वृत्ति ओरिजिनेट होती है चित्त में, कोई भी प्रोसेस ओरिजिनेट होती है चित्त में, तो वह सिर्फ ओरिजिनेट होकर के, कोई बात नहीं, तो वो प्रोसेस जो है सिर्फ ओरिजिनेट होकर के नहीं रह जाती है, बल्कि वो प्रोसेस जो हुई उसका इंप्रेशन एक सेव हो जाता है, उसका एक इंप्रेशन जो है प्रिजर्व कर लिया जाता है चित्त के द्वारा। अब ये जो इंप्रेशन है ना, इसको आप ऐसे भी कहिए कि देखिए चित्त के द्वारा ही जो ये जानने की प्रक्रिया इंट्रैक्शन हो रहा है उसी में कर्म भी होता है। ज्ञानेंद्रियां जो है यानी कि नॉलेज एक्विजिशन की जो सेंसेस हैं वो क्या करती हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाती है इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से क्या बनता है, इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये बनता है कि हम किसी चीज के बारे में अवेयर होते हैं जो कि बाहरी जगत में है, एक्सटर्नल रियलिटी में है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, और उस चीज के प्रति अवेयर होने के बाद हम उस चीज के प्रति रिस्पॉन्स कैसे करना है यह तय कर पाते हैं, और फिर हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं यानी कि जो हमारी एक्शन, ठीक है ना, बेस्ड सेंसेस हैं जो एक्शन करती हैं, एक्ट करती हैं, उनके द्वारा हम उस चीज के प्रति अपना रिस्पॉन्स दर्ज कराते हैं। यही जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, वो क्या बन जाता है, हमारा कर्म बनता है, हमारा एक्ट बनता है, एक्शन बनता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है।
कर्म करने की। अब ये जो वृत्ति है, यानी कि जहां पर हमने किसी चीज को जाना, समझा और उसके बाद फिर हमने उस चीज को के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी, यानी कि कर्म किया, इस सब का एक इंप्रेशन सेव होता है। इसको डिटेल में और आगे चलने पर जानेंगे जब एप्रोप्रिएट टॉपिक ये आएगा, अभी ब्रीफली इसको समझते हैं। तो उसका जो होता है एक डिटेल, एक इंप्रेशन, डिटेल इंप्रेशन कि हमने कैसे क्या चीज है कि वो सेव हो जाता है, उसके पीछे हमारे इंटेंशन क्या थे, हमने कैसे वो चीज की ऑल ऑफ सडन हो गई या फिर हमने नोइंगली मीनिंगली उस चीज को किया, इस तरह से सारी बातें जो है उसमें ज्ञात रहती है। अब होता यह है कि हम आगे चल करके जब भी कोई दूसरा कर्म करते हैं या दूसरे किसी प्रकार के टू नो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, टू नो एक्टिविटी यानी कि कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटी, किसी चीज को जानने समझने में इन्वॉल्व होता है, तो उस दौरान जो है वो इंप्रेशन फिर से हमें प्रभावित करता है। जो इंप्रेशन एक एक्टिविटी को करने के दौरान फॉर्म हुआ, जो इंप्रेशन एक व्यक्ति के दौरान उत्पन्न हुआ, फॉर्म हुआ, प्रिजर्व किया गया, वही इंप्रेशन दूसरी बार जब हम फिर से उस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें वो प्रभावित भी हमको करता है, ठीक है ना। और ये जो प्रभावित करना है, ये प्रभावित करना ही इस चक्र को बनाता है। क्यों? क्योंकि जिस भाव के साथ हमने पहले जो वो वृत्ति हमारी हुई थी, जो कर्म हमने किया था, वो सेव हो जाता है, वो सारी चीजें हमारे इंटेंशंस, हमारी फीलिंग्स वहां पे सेव होती हैं। जब हम दोबारा उस चीज को कर रहे होते हैं तो वो चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। अगर उसमें कुछ सिमिलर चीजें दिखें जो कि पहले वाले से सिमिलैरिटी रखती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो क्या होगा कि वो चीजें उसमें ऐड हो जाएंगे, वो फीलिंग्स, वो जो हमारे इमोशंस, वो ऐड हो जाएंगे। जब वो ऐड हो जाते हैं उस चीज में तो फिर से वही चीज होती है कुछ कॉन्टेक्स्ट में जो कि पहले हुई होती है, और इस तरह से ये जो एक चक्र है ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। इसी को वृत्ति संस्कार चक्र कहते हैं, यानी कि एक जो वृत्ति का इंप्रेशन डेवलप हुआ वो इंप्रेशन हमें फिर से उसी प्रकार से एक्ट करने के लिए प्रेरित करता है, और जब हम उस प्रकार से एक्ट करते हैं तो एक सिमिलर इंप्रेशन फिर से फॉर्म हो जाता है, और ये कॉन्टिन्यूअसली हमारे जो बिहेवियर है, हमारे जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं उनको प्रभावित करता रहता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने कभी किसी व्यक्ति की सहायता की, किसी व्यक्ति की मदद की, ठीक है ना। आपने देखा चलते हुए किसी व्यक्ति को भूखा देखा, परेशान देखा, और आपने किसी भी अपने जिस भी रूप में आप सक्षम थे, जो भी आपके पास रिसोर्सेस थे, उससे उस व्यक्ति की आपने सहायता कर दी। तो ये जो आपका सहायता करने का कर्म बना, यानी कि जो आपने किसी चीज को देख करके, उसे जान के, उसकी स्थिति को समझ करके, फिर आपने एक पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्स करने का सोचा, और पर्टिकुलर वे क्या था? वो पर्टिकुलर वे था कि उस व्यक्ति की हम सहायता करेंगे, ठीक है। तो वो सहायता आपने किस प्रकार से की? आपने सहायता इस प्रकार से की कि उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, उसकी दवा वगैरह की कुछ व्यवस्था कर दी, कैसे भी करके आपने उसे कंफर्टेबल फील कराया। इस ये जो कर्म बना आपका, ये जो वृत्ति आपके अंदर उठी जिसमें आपने उस व्यक्ति की सहायता की और उसका सहयोग किया, उसकी जो एक संस्कार बना, उसका जो एक इंप्रेशन बना, वो इंप्रेशन क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब आप फिर वैसे व्यक्ति को देखेंगे तो आपको वो उसी प्रकार से, जब ये डिसाइड होना होगा ना कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि देखिए दो चीजें हो रही है वृत्ति के अंतर्गत। पहली चीज तो ये कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि जो सेंसेस आपको बाहर की चीजों के संबंध में जानकारी दे रही हैं, उनके द्वारा इस चीज को डिसाइड किया जाता है कि बाहर की स्थिति क्या है, बाहर क्या हो रहा है, उसकी जानकारी आपके सामने रखी जाती है। और जब ये चीज हो जाती है तो उसके बाद जो कर्मेंद्रियां हैं उनका कार्य होता है, मन डिसाइड करता है या चित्त डिसाइड करता है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है ना। अब ये जो रिस्पॉन्स करने का जो काम है ये कर्मेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। तो रिस्पॉन्स कैसे करना है इस चीज को समझने के लिए क्या किया जाएगा? नाउ कंसीडर इट एंड अंडरस्टैंड इट लाइक द परसेप्चुअल प्रोसेस। कि परसेप्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, व्हेनेवर सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ द माइंड, व्हेनेवर काइंड ऑफ स्टिमुलस कम्स इन फ्रंट ऑफ द माइंड, तो होता यह है कि माइंड जो है अपने बैक में जाता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखता है और उन एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये डिसाइड करता है दैट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हाउ वी हैव प्रीवियसली रिस्पॉन्डेड। सिमिलर फैशन में यहीं पर भी चीजें होती हैं। संस्कार जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं कि किसी एक विशेष प्रकार की परिस्थिति आने पर हमको उस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्स किया जाना है, इसके हमारे प्रिजर्व्ड इंप्रेशंस होते हैं कि पास्ट में हमने कैसे रिस्पॉन्स किया था। और ये जो पास्ट के जो हमारे इंप्रेशंस होते हैं ये क्या करते हैं, उस परिस्थिति में आने पर हमारे अंदर एक ड्राइव पैदा करते हैं उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पांस को करने के लिए, ठीक है। इतनी बात कैच कर पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो ड्राइव हमारे अंदर पैदा होती है, दिस ड्राइव ड्रॉज टुवर्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ
बिहेवियरल पैटर्न टुवर्ड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, और जब हम उस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं देन वॉट हैपन्स, वी क्रिएट अनदर इंप्रेशन सिमिलर टू द लास्ट वन, और इस प्रकार से इंप्रेशन क्रिएट होते चले जाते हैं एंड हमारा जो वो बिहेवियरल पैटर्न था, स्वभाव, जो हमारा व्यवहार करने का वो जो तरीका था, इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। वही चीज आगे चल करके जो है हमारा स्वभाव बन जाता है। तो इस प्रकार से ये वृत्ति संस्कार चक्र चलता है। एक वृत्ति एक इंप्रेशन या संस्कार को जनरेट करती है, वो इंप्रेशन या संस्कार फिर आपको उसी प्रकार के कार्य को करने के लिए या उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप उसके अनुसार उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर वो एक सिमिलर इंप्रेशन बन जाता है जो पहले वाले के साथ बनकर के एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव आपके अंदर तैयार करने लगता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर वे मैनर। तो ये होता है वृत्ति संस्कार चक्र। और अब इंटरेस्टिंग चीज जो होती है वो ये होती है कि इतनी बात पहले ये बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? इस बात में कोई आप लोगों को कोई क्वेरी हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप अभी अपना क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है ना। इतनी जो हमने बात बताई आपको, ये बात आप लोगों को समझ में आई, ये बात आप लोगों को थोड़ा लगी कि हाँ क्या बात हो रही है? अच्छी बात है, ठीक है ना। चक्र इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक वृत्ति जिस संस्कार को निर्माण करती है फिर वो संस्कार फिर से उसी प्रकार के वृत्ति के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार से चक्र चलता चला जाता है, इसलिए इसको वृत्ति संस्कार चक्र कहा गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? अगर हम सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स हम देते हैं, अगर वो रिस्पॉन्स हमारा हमारे अकॉर्डिंग हो या फिर उस रिस्पॉन्स को हम चेंज कर दें तो क्या सर वो वृत्ति एक तरीके से उस साइकिल में हम रोक सकते हैं? हाँ, वहां पर फिर ये होगा ना कि आप अगर उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो पहले की जो वृत्ति है, पहले का जो संस्कार है, ठीक है ना, वो पहले के जो इंप्रेशंस हैं वो इंप्रेशंस उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे वीक होने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए हर संस्कार का अपना एक टाइम पीरियड होता है, हर इंप्रेशन धीरे धीरे फेड होता है, उसका अपना प्रभाव करने का एक समय सीमा होती है, उसके अपने प्रभाव की एक इंटेंसिटी होती है, एक मात्रा होता है, वेग होता है, कितने वेग के साथ वो प्रभाव डालता है और कितने समय सीमा तक वो प्रभावशाली रहता है। तो अगर आप उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि उसके वेग को उसके समय सीमा पर वो समाप्त हो जाएगा अपने समय पर और उसका जो वेग है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये जितना सहज लग रहा है उतना सहज होता नहीं है। संस्कार जो है ना वो बाढ़ में तिनके की तरह बहा ले जाते हैं, यानी कि आप वहां पर ठहर ही नहीं सकते। संस्कार जो होते हैं, संस्कार होते हैं बहुत, मतलब सघन, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो कैसे फॉर्म होते हैं इसका अपना एक पूरा एक टॉपिक है जो कर्म के दौरान हम आपको बताएंगे, ठीक है। संस्कार जो होते हैं वो दरअसल क्या होता है ना कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप ये समझो कि आप किसी जगह पर खड़े हो और आपकी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे बाढ़ से उनपती हुई एक उफनती हुई नदी में एक तिनका आप डाल दो, उसकी स्थिति होती। तिनके की क्या स्थिति होगी? तिनका कहीं स्टैंड ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि वो बाढ़ अपने साथ उसे बहाती हुई ले जा देती है। तो वैसे ही संस्कार जब आते हैं उनका वेग आता है, वो बहाते हुए ले जा देते हैं। इंसान को लगता है कि उससे गलती हुई है लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता। इसीलिए तो ये एक डीपर साइकोलॉजी है। हम अपने जीवन में बहुत तरह के गिल्ट से घिरे हुए हैं, हम अपने जीवन में बहुत तरह के अफसोस से घिरे हुए रहते हैं। हम हर परिस्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं लेकिन हम किसी परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना। कंट्रोल जो हम कर सकते हैं वो होते हैं हमारे रिस्पॉन्सेज, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे हम किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये चीज सिर्फ हमारे कंट्रोल में होती है। कौन सी परिस्थिति हमारे सामने आ गई और कई बार तो इतने जबरदस्त तरीके से कुछ हमारे प्रारब्ध होते हैं, कुछ हमारे संस्कार होते हैं कि वो किसी विशेष परिस्थिति में हमारे हमारा नियंत्रण ही नहीं होता कि हम कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करेंगे। ये स्वाभाविक एक जो देखो सिगमंड फ्राइड ने एक बात कही थी अनकॉन्शियस ड्राइव्स, अनकॉन्शियस ड्राइव्स जो हमारे बिहेवियर को ऑपरेट करते हैं।
तो ये संस्कार को आप वैसे ही समझो कि एक इतना स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस ड्राइव होता है जो आपके बिहेवियर को जो है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहाता चला जाता है, और उस परिस्थिति में आपसे जो भी कुछ गलती हुई, जो भी कुछ हुआ, आपको लगता है कि वो आपके कारण हुआ, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, और इस तरह से इंसान जो है एक गिल्ट में बैठता चला जाता है। अब गिल्ट क्या करता है, उसे अंदर ही अंदर खाता है। स्थिति दूसरी थी लेकिन वो खुद से रिलेट हो जाता है, दूसरे लोग भी उसी को उस चीज के लिए दोषी देते हैं। इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं ना जो देख पाते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी दृष्टि इतनी प्रखर होती है, जिनकी दृष्टि इतनी तीव्र होती है, जिनके पास ऐसा विजन होता है जहां वो आपके सिर्फ इसी जन्म नहीं बल्कि अगले पिछले कई जन्मों को देख पाते हैं कि आप कैसी पृष्ठभूमि से आए, कैसे बैकग्राउंड से आए, किस तरह के कर्म करके आए, किस तरह की परिस्थितियों को आपके जीवन में आना है और कितना आप उनमें टिक पाएंगे। तो ऐसे जब व्यक्ति होते हैं उनसे जब आप मिलते हो तो आपको अपने प्रति उनके स्वभाव में एक अनएक्सेप्शनल दया, एक अनएक्सेप्शनल प्रेम, एक अनएक्सेप्शनल, सबसे अच्छा वर्ड जो है वो है करुणा देखने को मिलती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ हम एकदम से रिलेट हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा तो आपका उनके साथ इतना गहरा अटैचमेंट आप महसूस करोगे। उसका कारण यह है कि उनके जो दृष्टि होती है, उनकी जो नजरें होती है, उसमें एक ऐसा करुणा का भाव होता है ना, और वो भाव मनुष्य की इसी विवशता को देखते हुए होता है। वो भाव जो होता है वो मनुष्य की इसी हेल्पलेसनेस को देखते हुए होता है। जैसे आपने लर्नेड हेल्पलेसनेस के बारे में पढ़ा होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट था एक डॉग को लेकर के, कुत्ते को लेकर के किया गया था। एक बॉक्स में दो वो रख दिए गए थे, पार्ट कर दिए गए थे, और उसमें हल्का हल्का करंट दिया जाता था, तो कुत्ता बच करके इधर से उधर भागने का अलग अलग कंपार्टमेंट्स में प्रयास करता रहता था। धीरे धीरे जब उसे दिखने लगा कि उसके प्रयासों से कुछ नहीं हो रहा, करंट उसे एनीवेज लग ही रहा है, तो वो क्या करता है, वो बैठ जाता है, फिर कुछ नहीं करता। दैट इज कॉल्ड लर्नड हेल्पलेसनेस। उसने जान लिया कि उसके एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन द सिचुएशन, तो वो सब चीज छोड़ देता है। तो यही जो हेल्पलेसनेस होती है, ठीक है ना। अब आप जैसे आप मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप देख रहे हो कुत्ते को इधर से उधर दौड़ना, लेकिन आपको पता है कि लास्ट में क्या होना है, इससे ये नहीं बच पाना है उससे, तो आपके मन में किस तरह के भाव आते हैं उसके प्रति। वो एक ऐसी परिस्थिति में फंसा है जहां पर कि आप उसकी कोई मदद, मतलब वो अपनी कोई मदद नहीं कर सकता, वो प्रयास कर रहा है लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप उसके भविष्य को, उसके आने वाली स्थिति को जान करके उसके प्रति दया महसूस करते हैं, करुणा महसूस करते हैं, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपसे कुछ बन पड़े अगर इसको रिलीफ पहुंचाने के लिए, इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, तो आप कर देंगे। यही चीज होती है जब ऐसे व्यक्ति हमें जीवन में मिलते हैं, और जो कि बहुत रेयर होता है, ऐसे व्यक्ति मिले ऐसा बहुत रेयर होता है। सबसे रेयर तो पहले ये होता है कि आपको कोई समझ सकेगा, अगर आपने कुछ ऐसा आपसे हो गया जीवन में। दरअसल क्या होता है ना, संसार एक विचित्र तरीके से फंक्शन करता है। आपने 99 गुड डीड्स किए हो, अच्छे काम किए हो, और एक आपसे गलत काम हो गया हो, आपका एक गलत काम आपके 99 अच्छे कामों के ऊपर हावी हो जाता है। दैट इज द पर्सपेक्टिव, दैट इज द आउटलुक ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब आदमी जो है अपने 99 अच्छे कामों के जो इम्प्रिंट्स हैं उनको फॉलो करने के बजाय अपने एक गलत काम के साथ अटैच हो जाता है, और जो सोशल स्टिग्मा होता है वो तो होता ही है, वही उसको कहीं ना कहीं उस तरफ डायरेक्ट करता है। तो उसको कॉन्टिन्यूअसली ये लगता है कि हम मतलब इसी तरह के व्यक्ति हैं। ये कोई नहीं समझता कि व्यक्ति अपने जीवन में कितने कुकर्म करके आया हुआ है पास्ट लाइफ से, और अगर वो ठीक भी होना चाहता है, अगर वो अच्छा भी होना चाहता है, वो कुकर्म जो है उसे धकेलते हैं फिर से उसी रास्ते। वो जो संस्कार है ना कुकर्म, हर कर्म, सत्कर्म चाहे कुकर्म, अच्छा काम चाहे बुरा काम, हर तरह का काम, हर तरह का कर्म, हर तरह का एक्शन एक इंप्रेशन को फॉर्म करता है, और वो इंप्रेशन क्या करता है, नेक्स्ट टाइम आपको उसी तरह के डायरेक्शन में मोड़ने का काम करता है। तो अगर आपने कुछ गलत काम किया, और सबने किया है, एवरीवन इज गिल्टी हियर, ठीक है ना, नो वन इज प्योर। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द कंपैशन, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट बेनेवोलेंस, ह्यूमैनिटी, ठीक है। मानव मात्र पे दया करने की बात इसीलिए कही गई। और सोचिए, भगवान बुद्ध ने उंगली माल को देखा, तो उंगली माल के कर्मों को देख करके भगवान बुद्ध क्या किए, उसको दंडित किए क्या? उनके मन में जो जीव मात्र के प्रति करुणा थी वो क्यों करुणा थी? क्योंकि वो देख पाते थे कि मनुष्य अपने कैसे कर्मों के चलते यहां आ गया है। और बात ये नहीं है कि वो अभी विवस्त कर्म कर रहा है। हम जब देखते हैं किसी को अत्याचार करते हुए, किसी को लोगों को सताते हुए उन पर, ठीक है ना,
कष्ट उनको देते हुए, परेशान करते हुए, हत्याएं करते हुए, हमारे अंदर गुस्सा आता है, स्वाभाविक है। न्याय प्रणाली उसे दंडित करती है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस व्यक्ति के अंतर्मन में झांक सकता है, उसके चित्त में झांक सकता है, तो वो जब देखता है ना, तो उसके मन में ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति भी करुणा आती है। करुणा इसलिए आती है क्योंकि उनको पता है कि वो जो अभी अपराध कर रहा है वो उन संस्कारों का निर्माण करेंगे जो आगे चलकर के उसे बहुत ही गलत अवस्था में लाने वाले हैं, बहुत ही दयनीय अवस्था में लाने वाले हैं। और ऐसी अवस्था में कोई नहीं होगा उसे सुनने वाला, कोई नहीं होगा उसकी सहायता करने वाला, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, ये प्रकृति का एक सेटअप है, प्रकृति का एक सिस्टम है, प्रकृति की ये पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। आपको अपने जीवन में फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है अमंग योर एक्शंस। आप कैसे एक्ट करना चाहते हो, कैसे रिस्पॉन्स करना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। इसकी आपको स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन जब आप एक्ट कर लेते हैं तो उस एक्ट का परिणाम, आपके किए हुए उस चीज का परिणाम क्या आएगा, हाउ इट विल कम इन योर लाइफ, इसकी आपको स्वतंत्रता नहीं होती। ये तय आपके कर्मों के अनुसार होता है। और फिर जब आपके कर्म होते हैं तो उन कर्मों के अनुसार आप परिणाम पूरा भोग सके, इसके लिए जो है प्रकृति की पूरी एक स्ट्रॉन्ग व्यवस्था होती है जिसको आप कभी स्किप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिनको हम ईश्वर मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी जब सृष्टि में आते हैं वो भी उस कर्म व्यवस्था से स्किप नहीं कर सकते, उनको भी उस कर्म व्यवस्था के अंतर्गत आना पड़ता है। और हर कोई उस चीज को स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था होती है ये ऐसी होती है कि जब कोई संस्कार, मान लीजिए किसी ने कोई बहुत घृणित कर्म किया, बहुत खराब कर्म किया, तो प्रकृति का अपना दंड विधान है, और उस दंड विधान के तहत जो है वो व्यक्ति एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसे सिचुएशन में आ जाता है, जन्म लेता है या कुछ भी करता है, जहां पर उसे अपने उस किए गए कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कोई उसमें उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। और ये किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है कि उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होता ही नहीं है जो उसके दुख दर्द को समझे, ठीक है ना। अगर आपको अपने जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपसे वो बातें कर रहा है जो आप सुनना चाहते थे, जो आपको सुनना चाहता है, ठीक है ना, जो आपके समस्याओं को समझता है, आपके प्रति एक अच्छा नजरिया रखता है, इसका मतलब कि आपके जीवन में बहुत होप है। क्यों? क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने कष्ट के समय में पूरी तरह से अकेले होते हैं, और वो जो अकेलापन होता है उस अकेलेपन में ही वो अपने उस कर्म के परिणाम को भोगते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। कर्म कैसे कार्य करता है ना, सो ये सब संस्कार के अंतर्गत ही आ रहा है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक आपको एक अभी रियल एक स्टोरी बता, स्टोरी क्या है, एक रियल इवेंट बताते हैं जो कि हमने फेसबुक में देखा, ठीक है, और उसके साथ हमको यही चीज दिमाग में आई कि कर्म कैसे कार्य करता है। एक हाथी को रेस्क्यू करने की बात की गई, एक वीडियो में हमने देखा था कि एक हाथी को रेस्क्यू किया गया और उस हाथी का नाम था राजू। तो वो जो राजू हाथी था उसको क्या है कि मतलब कैद किया हुआ था चेन में, चेन कैसे कि उसके पैरों में स्पाइक्स वाले जो है ऐसे बेड़ियां लगी हुई थी, और वो बेड़ियां इस तरह से लगी थी कि वो स्पाइक्स उसके पैर के अंदर घुसे हुए थे। तो वो जो हाथी है वो चल नहीं पाता था, वो खड़ा नहीं हो पाता था, खड़ा होता था तो गिर जाता था। और वो इस स्थिति में कब से था, वो इस स्थिति में 50 साल से था, 50 साल से वो ऐसी स्थिति में था, सोचिए 50 ईयर्स वो ऐसी ही स्थिति में रहा। आफ्टर 50 ईयर्स उसका क्या किया गया कि उसकी जो बेड़ियां हैं वो खोलने के लिए, मतलब वो रेस्क्यू जो टीम थी जिनका वो वीडियो था उन्होंने देखा उसको, और 8 घंटे उनको लगे उसकी बेड़ियां काटने में। और उन्होंने बताया कि जब उसकी बेड़ियां काटी गई तो उसके आंख से कॉन्टिन्यूअसली पानी आ रहा था, कॉन्टिन्यूअसली पानी झर रहा था। तो जो उनके एक्सपर्ट्स थे, वेटरनरी डॉक्टर्स थे और दूसरे केयर टेकर्स थे, उनका ये कहना था कि हाथी रोते हैं, उनमें मतलब बहुत डेंस इमोशंस होते हैं और वो ह्यूमंस की तरह ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो हाथियों का रोना एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन जितना अधिक ये रो रहा था, वो आंसू मतलब दुख के नहीं खुशी के थे। और उसके बाद फिर 6 साल, मतलब ये बताया कि 6 साल हो गए उसको रेस्क्यू किए गए, और अब वो जो है स्वस्थ है, अपने ही जैसे हाथियों के एक मतलब वहां सेंटर में है जहां पर उसकी देखभाल की जाती है, और वो अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से जी रहा है। मनुष्य का तो छोड़ दो,
इन जानवरों का भी कर्म होता है, ठीक है। 50 साल तक उसका कर्म था तो वो उस बंधन में रहा, उस कष्ट में रहा, और जहां पर एप्रोप्रिएट समय आता है, जहां पर वो संस्कार पूरा हो जाता है, जहां पर वो संस्कार पूरा हो जाएगा, उसे उस परिणाम उसने भोग लिया है, उसकी मुक्ति आ गई, तो कैसे भी करके सिचुएशन आ जाएगी, कैसे भी करके लोग जुट जाएंगे और वहां से निकाल, ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए जानते मनुष्य कुछ भी ना करे अपने जीवन में, लेकिन अगर वो प्रकृति की व्यवस्था पे विश्वास रखता है ना, प्रकृति के ऊपर विश्वास रखता है, तो प्रकृति उसका ख्याल मां की तरह रखती है। क्योंकि अगर आप देखें तो हम सब उसी की संतान है, और ये जो कर्म की व्यवस्था है, संस्कार है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जहां पर हमारा कंट्रोल है वो सिर्फ है एक चीज, और वो है हाउ यू परफॉर्म योर एक्शंस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने कर्मों को कैसे करते हैं, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको अथॉरिटी देती है, आपको पावर देती है टू शेप योर फ्यूचर। एंड दैट्स व्हाई जहां पर ये कहा जाता है कि भाग्य होता है, लेकिन भाग्य होता है उसको मानना भाग्यवादी होना नहीं है, क्योंकि भाग्य होने का मतलब है कि आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय योरसेल्फ इन द पास्ट। आपने खुद ही पास्ट में इन सिचुएशंस को क्रिएट किया है, इसलिए ये भाग्यवादी होना है कि आप भाग्य को मानते हैं कि हाँ ये परिस्थितियां हमारी क्रिएट की हुई है, एक्सेप्ट देम, बट विद दिस इट गिव्स अ स्कोप, इट गिव्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट अनदर फैक्ट दैट यू कैन क्रिएट योर फर्दर कमिंग सिचुएशंस बाय योर एक्शंस इन द प्रेजेंट। इसलिए जो है राइटियस एक्शंस, सत्कर्म करने के ऊपर इतना जोर दिया जाता है कि आप वो करें जो सही है, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे आप उससे बच नहीं सकते, आप सही करेंगे आपके सामने उसका भी परिणाम आएगा, आप गलत करेंगे उसका भी परिणाम आएगा। तो ये जो वृत्ति और संस्कार का चक्र है, ये यही चक्र है। आप अपने किसी एक इंटेंशन से, किसी मोटिव से, मान लीजिए आपने प्रेरित हो गया, आप बहुत गुस्सा थे और उस गुस्से में, उस क्रोध में आपने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे दिया सामने वाले व्यक्ति के प्रति, आपने लगा दिया घुमा के एक थप्पड़, आप शक्तिशाली थे, आपके पास पावर थी, सामने वाला व्यक्ति आपको रेसिस्ट नहीं कर सका, आपके अंदर बड़ी खिन्नता हुई उसके प्रति, आपके अहंकार को चोट लगी, आपने खींच के एक थप्पड़ रसीद कर दिया, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सका, आपने ये भी नहीं सोचा कि उसकी गलती थी कि नहीं थी, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपका ये जो एक्शन है ये आपके किस कर्म का निर्माण कर रहा है। अब ये जो आपने कर्म किया, इसका जो संस्कार है, वो संस्कार क्या करेगा, वो दो चीजें करता है। पहली चीज तो वो एक इंप्रेशन फॉर्म करता है जो कि आपको इस प्रकार का बिहेवियर करने के लिए आगे से मोटिवेट करता है। फिर कहीं कोई ऐसी चीज होगी ना तो फिर वही चीज आप रिपीट कर दोगे। व्हाई? बिकॉज प्रीवियसली आपने किया, किसी ने आपको रोका नहीं, सो यू गॉट एनकरेज्ड बाय दैट। अब आप इसे करते तो जा रहे हैं, लेकिन आप ये चीज भी भूल रहे हैं कि ये जो इंप्रेशन है, ये जितने स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं उतना ही स्ट्रांग आपका वो कर्म भी होता चला जा रहा है। एंड देन इट स्टार्ट्स मैच्योरिंग, फिर ये परिपक्व होना शुरू होता है, और जब ये परिपक्व हो जाता है तो फिर ये आपके जीवन की परिस्थिति में एक ऐसे परिणाम के तौर पे आता है जहां पे हर कोई आपको मारेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो ये वृत्ति संस्कार चक्र जो है इसी व्यवस्था का एक भाग है, ठीक है ना। इसलिए इसके बारे में और भी बातें करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां तक की जो आज हमने बात की, और अब लगभग टाइम भी हो चुका है, 9 बज चुके हैं, तो बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे, लेकिन 5-7 मिनट का हम एक टाइम ले सकते हैं जहां पर कि आपके अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इस दौरान जो है मैं आप लोगों को एक मैसेज ड्रॉप कर रहा हूं जहां पर कि आप लोग अपनी अटेंडेंसेस मार्क कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोगों का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज फिर हम आज की मीटिंग जो है, आज की जो क्लास है, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे और दूसरे दिन फिर बात करेंगे।
ठीक है ना। What kind of technique that applied by human to make him fully aware? टेक्निक्स तो देखो क्या होती है, टेक्निक तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, सबसे मेन चीज है अवेयर होना, ठीक है ना। और अवेयर होने का पहला जो तथ्य होता है वो होता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव्स में, अपने बिलीफ्स, अपने वैल्यू सिस्टम्स में कुछ चेंजेस लाएं। ये चेंजेस वो हों जो कि दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में हो। दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में होने का मतलब ये है कि आप दूसरों को भी वैसे ही कंसिडर करें जैसे आप खुद को करते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई गलत चीज हो जाती है तो आप खुद को किस तरह से पनिश करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप खुद को माफ कर देते हैं बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में। आपसे कोई गलती हुई है, आपको अफसोस होता है, लेकिन आप बहुत धैर्य रखते हैं अपने साथ। तो उसी तरह से धैर्य हमें दूसरों के साथ भी रखना चाहिए, हमें सपोर्टिव होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझते ना कि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी चीज को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी चीज में अगर वास्तविक रूप में हमारा नियंत्रण हो सकता है, तो वो है सिर्फ अपने द्वारा किए गए कर्म। जब हम इस फैक्ट को लेकर के अवेयर हो जाते हैं दैट वी कैन नॉट कंट्रोल द अपकमिंग्स ऑफ अदर पर्सन्स लाइफ, जब हम इस चीज को लेकर के कंट्रोल हो जाते हैं दैट ही हिमसेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ हिज डेस्टिनी, जब हम इस चीज को लेकर के अवेयर हो जाते हैं, वी स्टॉप कंट्रोलिंग और वी स्टॉप हैविंग अथॉरिटी ओवर अदर्स लाइफ। हम लोगों को डायरेक्ट करना, उनको उनकी इच्छाओं को, उनकी चॉइसेस को तय करना बंद कर देते हैं। लोगों को सुझाव देना, सलाह देना, उनकी मदद करना एक अलग बात है, और बेसिकली हम क्या करते हैं जो कि पूरी तरह से अलग होता है, वो ये है कि हम उनको पूरी तरह से शेप करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। ऐसा करने का, नियंत्रण का अगर किसी के पास कोई अधिकार, कोई पावर है, तो सिर्फ प्रकृति के पास है, और उसके अंतर्गत हम भी आते हैं, बाकी भी आते हैं। तो जब ऐसा होता है, ये अवेयरनेस आती है, तो इस अवेयरनेस के साथ हम सेल्फ अवेयर ज्यादा हो जाते हैं कि सामने वाला अगर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, देन इट इज ओके, वो कर रहा है, दैट इज इट्स पार्ट, इन इट्स पार्ट, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, हाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वॉट आई कैन कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको आए थपड़िया के चल दे और आप बस हाथ जोड़ खड़े रहे, दैट इज अनदर, दैट इज अ वेरी हाई थिंग। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम अपने आप को जो है समझें कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल का निर्माण कर रहा है। इंडियन साइकोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इसी फैक्ट को समझ लेना है। इंडियन साइकोलॉजी में जिस पर्सपेक्टिव से आपको जीवन में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी, वो यही पर्सपेक्टिव है, दैट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द नेचर वर्क्स, प्रकृति कैसे कार्य करती है, कर्म का नियम कैसे कार्य करता है, और हमारे जीवन में चीजें कैसे आती हैं। सब चीज जो भी कुछ हमारे आसपास दिख रही है हमें, भले ही वो मानसिक समस्याएं हो, या जीवन में आने वाली कोई समस्या हो, मिलने वाला कोई व्यक्ति हो, मिलने वाला प्रेम हो दूसरे व्यक्तियों से, सहयोग हो, अच्छी चीजें हो, सब इन्हीं चीजों के अंतर्गत आ रही है। इसलिए जो है भारतीय मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज पे डाला गया था। ये जो व्रत, त्योहार, दान, पुण्य, पर्व, ये सब चीजें डेवलप की गई ना, ये सब चीजें क्रिएट की गई, ये इसीलिए की गई क्योंकि वे जानते थे कि एक्चुअल में मनुष्य का जीवन किन चीजों में, किन सिस्टम्स में, किन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत चलता है, ड्राइवन है। इसलिए उन्होंने उन चीजों को परफेक्ट करने की, उन चीजों को बेहतर हम कर सके, इस चीज का प्रयास किया। इसलिए सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया, मानव मात्र से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया गया। यहां पर ऐसा है ही नहीं कि पर्टिकुलर रिलीजन या कल्चर की बात हो रही है, यहां पर तो एक सार्वभौमिक नियम की बात हो रही है जो कि सभी मानवता पे फुली अप्लाई हो रहा है। दैट्स व्हाई इंडियन साइकोलॉजी इज कल्चरली अनबायस्ड, ठीक है ना, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी के लिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति के प्रति अगर देखो तो हमेशा से जो है विदेशियों का रुझान रहा है, अभी भी रहा है उन लोगों का। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में इस तरह की वैल्यूज नहीं है, इतने डीप वैल्यू सिस्टम्स नहीं है, और ये डीप वैल्यू सिस्टम भारतीय कल्चर में सिर्फ इसलिए है, भारतीय संस्कृति में सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहां पर वो सेल्फ रियलाइजेशन था, वो टिप पे व्यक्ति गया था, जिसके बाद वो नीचे के इस पूरी भूल भुलैया को देख रहे थे कि इन भूल भुलैया में से निकलने का रास्ता कहां से। और ये भूल भुलैया भारत की नहीं थी, ये भूल भुलैया संसार भर की थी, ठीक है ना। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज द ओनली टेक्निक that you become self-aware and you respect others also, ठीक है।
तो चलिए फिर, आज के लिए इतनी सारी बातें काफी हैं, कल बात करेंगे इस चीज के ऊपर, और कल जो है चित्त की भूमि वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय।